गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 8, द टेल ऑफ पीटर रैबिट। कल इसकी स्टोरी हमने कुछ रीड आउट करी थी। ये मिसेस रैबिट है और इसके ये 4 लिटिल रैबिट्स हैं। इनमें जो है इनके जो नाम है, देयर नेम्स वर फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर। इनमें से जो है 3 तो अपनी मदर का कहना मानते थे और पीटर थोड़ा नॉटी था। तो कल जो हमने पढ़ाया था, तो उनकी मदर बेकर शॉप के पास गई थी और कह गई थी कि मॉप्सी, कॉटन टेल और ये जो है फ्लॉप्सी, ये तो वहीं पर ही फील्ड में खेलने लग गए। लेकिन जो है पीटर जो है उसने अपनी मदर का कहना नहीं माना और वो मिस्टर ग्रेगर के गार्डन में चला गया था। वहाँ पर उसने कुछ लेट्यूस, फ्रेंच बीस, रेडिश, पार्सले ये ईट करने लगा। तो मिस्टर मैकग्रेगर ने देख लिया तो ये परेशान हो गया। इसको अपना जहाँ इसको अपने घर जाना था तो रास्ता नहीं दिखा, तो ये परेशान हो गया। फिर उसने क्या किया, शूज़ अपने पोटैटो जहाँ पर लग रहे थे गार्डन में वहाँ पर फेंक दिए और अपनी जैकेट जो है उसको उसने उतार के फेंक दी थी। नेक्स्ट पीटर लॉस्ट हिज जैकेट एंड डैशेस इनटू द टूल शेड। मिस्टर मैकग्रेगर हियर्ड सम हिम, सो पीटर क्विकली जंप्ड आउट ऑफ अ नियर बाय विंडो। जैसे ही मिस्टर ग्रेगर ने उसको देखा तो वो उसको चिल्लाने लगा, तो ये घबरा के वहाँ से भाग गया। पीटर क्विकली जंप आउट ऑफ ए नियर बाय विंडो। पीटर कॉट द ब्रीथ एंड ट्राई टू काम डाउन एंड मिस्टर मैकग्रेगर वेंट बैक टू गार्डनिंग, जिससे वो घबरा के उसने छलांग लगा दी और मिस्टर ग्रेगर अपनी गार्डनिंग करने लगे। पीटर सब्सिक्वेंटली सा ए माउस दैट वॉज बिजी कैरिंग पीस टू हर फैमिली। पीटर ने देखा कि एक माउस है जो अपनी फैमिली के लिए पीस ले जा रहा, उससे उसने रास्ता पूछा। पीटर आस्क हर द वे टू गेट टू द गेट। पीटर ने उससे बाहर जाने का रास्ता पूछा कि कहाँ पर गेट है। बट द माउस हैड सच ए लार्ज पी, माउस के मुंह में बहुत बड़ा पी था तो वो उसको नहीं बता पाया कि कहाँ से जाना है। फीलिंग होपलेस पीटर बिगिन टू सोब, इससे पीटर घबरा गया और उसको होपलेस हो गया कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। वाइल ट्राइंग टू फाइंड हिज वे बैक टू द गेट ही सा ए वाइट कैट। फिर से उसने ट्राई किया और देखा कि एक कैट है। द कैट वॉज लुकिंग इन टू ए पॉन्ड्स वाटर वेयर ए गोल्ड फिश वॉज स्विमिंग। द कैट सैट क्वाइटली वॉचिंग द फिश। पीटर रिमेंबर वाट हिज कजिन बेंजामिन बनी हैड सैड अबाउट कैट्स एंड डिसाइडेड टू वॉक अवे। पीटर हियर द नॉइज ऑफ ए हो एंड रेन अंडर सम नियर बाय बुशेज। तो उसका जो कजिन है उसने बताया था बेंजामिन बनी ने कि जब कैट्स जो है खेलती हैं तो वो ध्यान नहीं देती। पीटर ने कुछ नॉइज सुनी, ये हो एक जो है खेती करने का टूल्स है, तो उसने उसके सहारे सहारे वो चलने लगा। वंस द रियलाइज ही वॉज सेफ ही गॉट ऑन टू ए व्हील बैरो। ये भी एक व्हील बैरो सिंगल पहिए की जो है एक सिंगल पहिए का इस तरह से ट्रॉली होती है, ये भी खेती में ही गार्डनिंग में ही काम आती है। एंड लुक्ड ओवर टू फाइंड मिस्टर ग्रेगर वर्किंग, तो उसने देखा कि मिस्टर ग्रेगिंग वर्क कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टली राइट पास हिम वाज द गेट, और वो गेट के देखने लगा। पीटर टुक ए पाथ बिहाइंड बुशेस टू गेट आउट बट मिस्टर मैकग्रेगर स्पॉटेड हिम। तो वो पीटर जो है बुशेस के सारे चलने लगा और मिस्टर ग्रेगर ने उसको देख लिया था। ही कंटिन्यू टू गो अंडर द गेट एंड ही फाइनली गोट आउट ऑफ द गार्डन।
वो धीरे धीरे चलने लगा, उसने गेट ढूंढ लिया था और वो उस गार्डन से बाहर निकल आया। पीटर डिड नॉट स्टॉप रनिंग अंटिल ही रीच हिज हाउस। पीटर तब तक भागता रहा जब तक कि वो अपने घर ना पहुंच गया। व्हेन ही डिड रीच हिज हाउस, जब वो अपने घर पहुंच गया, ही वॉकड इन एंड जस्ट ले ऑन द फ्लोर एग्जॉस्टेड। हिज मदर नोटिस दैट ही हैड मिसप्लेस हिज क्लॉथ्स एंड शू। उसकी मदर ने नोटिस किया कि उसका शूज़ और उसकी जैकेट नहीं है। शी पुट हिम टू बेड। द अदर थ्री बनीज वर सर्व विथ अ नाइस मील। उसके तीनों भाई जो है मील खा रहे थे। तो ये एक नोटी पीटर टेल की स्टोरी है जो कंप्लीट हुई। अब आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखने भी है और लर्न भी करने हैं। अंडर नियर द अंडर साइड लेन ए नैरो रोड। लेन मीन्स एक सकरी सड़क। हो ए लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल विथ थिन ब्लेड। हो क्या है, एक गार्डनिंग टूल है। व्हील बैरो स्मॉल ओपन कार्ट यूज फॉर कैरिंग लोड्स इन गार्डनिंग। ओके, तो ये आपको सब लर्न करने वर्ड मीनिंग। थैंक यू।